नई नई रेसिपीज आसानी से सीखने के लिए मेरी थाली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ी पनीर लॉलीपॉप, जो बच्चों को नाश्ते में आप दे सकते हैं। बच्चों को, बूढ़ों को, सबको पसंद आता है ये, और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बॉइल्ड पोटैटो लिया है 8 से 10, उसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे। उसमें मैं डाल रही हूँ 200 ग्राम पनीर, उसे छीन लेंगे ऐसे। आधा बाउल ऑनियन, शिमला मिर्च, ग्रीन चिली, सॉल्ट, हल्दी, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, ओरेगानो, मिक्स हर्ब्स, चाट मसाला 1 चम्मच, पेरी पेरी पाउडर जो आता है वो थोड़ा स्पाइसी होता है तो आधा चम्मच मैंने डाला है, और 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस बस। अब हम इसमें डाल देंगे ब्रेड क्रम्स, जो टोस आते हैं बाज़ार में उसे मैंने क्रश कर लिया है, वो मैं डाल रही हूँ 2 बाउल बाइंडिंग के लिए। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, ये रेडी है। अब मैं 1 बाउल में ले रही हूँ 5 चम्मच मैदा, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच सॉल्ट, और 1/2 ग्लास पानी डाल के हमें इसकी अच्छी सी पतली वाली पेस्ट बना लेनी है। ये देखिए ये रेडी है। अब मैंने 5 चीज़ के क्यूब्स लिए हैं, उसे बीच में से मैंने कट कर दिया है, और ये ऐसी स्टिक मिलती है बाज़ार में कैंडी स्टिक, वो हम चीज़ में ऐसे बीच में लगा देंगे। ऐसी सारी चीज़ कैंडी हम स्टिक रेडी कर लेंगे। अब जो हमने बनाया है बैटर, उसको हम थोड़ा सा हल्के हाथों से पूरी जैसा बना लेंगे, और बीच में हमें चीज़ वाली कैंडी स्टिक रख देनी है और चीज़ को अच्छे से कवर कर लेना है, अच्छे से प्रेस करके ये लॉलीपॉप बनाना, वरना जब आप इसे डीप फ्राई करेंगे तब ये खुल जाएगा। तो अच्छे से इसे हम हाथों से दबा के प्रेस करके ये लॉलीपॉप ऐसी ही रेडी कर लेंगे सारी लॉलीपॉप। ये देखिए ये रेडी है। अब जो हमने मैदे का घोल बनाया है वो हम इसके ऊपर लगा देंगे, अच्छे से कोट कर लेंगे, और मैंने ब्रेड क्रम्स लिया है उसे भी हम इसके ऊपर अच्छे से छिड़क देंगे, और ऐसे ही सारी लॉलीपॉप हमें रेडी करनी है। ये देखिए ये रेडी है। इसे हमें 15 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख देना है सूखने के लिए, उसके बाद हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर डीप फ्राई कर लेंगे। इसे 15 मिनट के लिए सूखने ज़रूर से रख दीजिएगा, वरना ब्रेड क्रम्स और मैदा जो है वो इसमें अच्छे से सेट नहीं होंगे, तो सूखने के लिए रखने से ये अच्छे से सेट हो जाएगी। देखिए इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। ऐसे ही हमें सारी स्टिक को डीप फ्राई करना है। बीच में हम इसका डिप बना लेंगे, तो मैंने 4 से 5 चम्मच टोमेटो केचप लिया है, और इसमें डाला है 2 से 3 चम्मच मेयोनीज। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये लॉलीपॉप का डिप हमारा रेडी है। ये गर्मा गर्म हम इसे सर्व कर लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, ज़रूर से ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। फैमिली और फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।